लवलीन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, जब से सुष्मिता गई है इस घर में कितनी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। लवलीन, लवलीन, मुझे लगता है इस घर में सुष्मिता का साया है, इसी वजह से यहाँ उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं। ओहो, तुम फिर वही बातें शुरू हो गई। अच्छा, दोनों शांत हो जाओ और मुझे डिटेल में बताओ कि सुष्मिता के जाने के बाद क्या क्या हुआ। रुको, मैं आती हूँ। ये देखो, ये है शनाया की मैथ्स नोटबुक। शनाया कहती है कि उसने ये सम्स नहीं करे, अनान्या कह रही है कि उसने ये सम्स नहीं करे, और सियान को तो इतने मुश्किल सम्स आते ही नहीं, तो ये सम्स किए किसने? और उस दिन तो मजे की बात, पुनीत ने पूरा का पूरा बड़ा बोल नूडल्स का टेबल पे रखा। तीनों बच्चे अनान्या, शनाया, सियान कहते हमने नहीं खाया, और वो पूरा का पूरा बोल खाली हो गया, तो ये गए कहाँ? आप मानेंगी नहीं, मुझे बार बार डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, कभी कोई दिखाई देता है, और शनाया को तो उसके सपने में अक्सर सुष्मिता नजर आती है कि उसको वो कमरे में बंद कर रही है। और मेरे होश उस दिन उड़ गए जब पुनीत ने बताया कि अनान्या सुष्मिता से बातें कर रही है, और अगले ही दिन अनान्या कह रही थी कि सुष्मिता सियान के कलर्स ले गई है। हाँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम है क्या। हाँ लवलीन, तुम एक साइकाइट्रिस्ट हो और तुम ही बता सकती हो कि ये सब चल क्या रहा है और हम इससे बाहर कैसे निकलें। मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सुष्मिता का साया इस घर पे नहीं, तुम लोगों के दिमाग पे है। मतलब? मतलब ये कि सुष्मिता जब इस घर में थी तो बच्चों को बहुत सताती थी, इसी वजह से पुनीत भी घबराई रहती थी, करेक्ट? हाँ। फिर सुष्मिता तो इस घर से चली गई, पर उसका डर नहीं गया इस घर से। मम्मा! शनाया बेटा, आप ठीक हो? तुम्हारे सपने में फिर सुष्मिता आई क्या? बेटा डिटेल में बताओ मुझे, तुमने सपने में क्या देखा? मैंने सपने में देखा कि मम्मा पापा घर पे नहीं है और सुष्मिता दीदी, अनान्या दीदी और मेरे से सारा काम करवा रही हैं। आप रिलैक्स करो बेटा, मम्मा पापा यहीं हैं, आप आराम से सो जाओ, सो जाओ। देखो, शनाया सपने में वो देख रही है जो उसके साथ हो चुका है, उसके मन से अभी पूरी तरह से डर निकला नहीं है। हाँ, सुष्मिता बच्चों के साथ ऐसा ही करती होगी। इस डर की वजह से बच्चे कहीं बारी ऐसी चीजें कर देते हैं जो उन्हें बाद में याद नहीं रहता, जैसे बहुत सारी पढ़ाई कर लेना या बहुत सारा खाना खा लेना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बच्चों का डर ही है जो बाहर निकल के आ रहा है। पर वो बेल की आवाजें, वो तो मुझे सुनाई दे रही थी। जो बच्चों का डर है वही तुम्हारा भी डर है पुनीत। ये सब तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है? इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मुसीबत को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। जड़ से? मतलब? मतलब सुष्मिता को इस घर में वापस लेकर आना पड़ेगा। क्या? हाँ, डर भगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उस डर का सामना करो। पर उसे वापस बुला के करेंगे क्या? हमें उससे दो कदम आगे चलना पड़ेगा, उसकी हर चाल पे नजर रखनी पड़ेगी, है ना लवली? एग्जैक्टली। हाँ, तुम्हें उसे उसी की गेम में हराना होगा, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पर ये तुम्हें करना होगा अपने बच्चों के लिए और अपने घर की शांति के लिए। मैं तैयार हूँ। पर रमनीक। अरे पुनीत, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, हम ये मिलकर कर सकते हैं, सुष्मिता एक इंसान है, कोई भूत नहीं है। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे, अगर मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। चलो, अच्छा मैं चलती हूँ। रमनीक, मुझे बहुत डर लग रहा है।
देखो तुम घबराओ मत, अगर तुम हिम्मत हार गई तो हम लड़ेंगे कैसे, हमें ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। आप ठीक कह रहे हो रमणीक, ये हुई ना बात, मैं आपके साथ हूँ। पर रमणीक हम उसको बुलाएंगे कैसे? वो मुझे पता है। हाँ जी भैया। हेलो सुष्मिता, क्या हाल है तेरे? भैया मेरे से ना गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। देख जो हो गया उसे भूल जा, बच्चे भी तुझे बहुत याद करते हैं, हम चाहते हैं तू फिर से हमारे घर में काम करे। क्या बात है, चूहा पिंजरे में खुद ही फंसने को तैयार है। हेलो हेलो सुष्मिता। भैया सच में आप मुझे कुछ नहीं कहोगे ना? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है मैं कल आ जाती हूँ, मेरे को माफ कर देना भैया। ठीक है तू आ जा, आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शिकायत का मौका? बच्चों वो ना कल ना सुष्मिता दीदी आ रही है, वो फिर से हमारे साथ रहेगी। क्या सुष्मिता दीदी? हाँ बच्चों, लेकिन हाँ इस बार तुमने घबराना नहीं है, हम सबने मिलकर लड़ना है उससे। ठीक है पापा। हमने लड़ना है और इस बार ही हम सब मिलके लड़ेंगे। मम्मा पर हमें सुष्मिता दीदी बहुत तंग करती है। हमें सुष्मिता दीदी से बहुत डर लगता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ इस बार मम्मा पापा आपके साथ हैं, हमें मिलकर लड़ना है। वो जैसे आपके कार्टून्स में होता है ना, सुपर हीरो आता है और विलन को मार देता है। बस वैसे ही हमें अब सुपर हीरो की तरह आना है और विलन को मार गिराना है। ठीक है मम्मा पापा अब हम आपके साथ हैं। हाँ ये हुई ना बात। ये नमस्ते, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? मैंने आपको बहुत याद किया। हमने भी, फिर हमने फैसला किया कि तुझे वापस बुला लें। भाभी मुझे माफ कर देना, मैं ना भटक गई थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब पुरानी बातें भूल चुके हैं, तू भी भूल जा, आ जा। मजा आ गया, मैं तो सोच रही थी यहाँ दोबारा एंट्री कैसे लूँ, इन्होंने तो खुद ही बुला लिया मेरे को। रमी वो आ गई है। अरे तो आने दो, हम भी तैयार हैं। मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा, कम से कम 2-3 दिन अच्छा बनकर दिखाना होगा। बेटा दूध ले आ। चलो दूध पी लो पहले। शनाया बेटा दूध पी लो, मेरे जाने के बाद कितनी पतली हो गए हो। थैंक यू दीदी, मैंने आपको बहुत याद किया। मम्मा मुझे और दूध चाहिए। बेटा और दूध ले आ। ठीक बेटा तू अपनी चाय बना ले। भाभी दूध इतनी ही था। अनाना बेटा हम कुछ और खा लेंगे, ये दूध दीदी को दे देते हैं, वो चाय बना लेगी। ठीक है। कोई बात नहीं भाभी, आप अनाने को दे दो, मैं और कुछ ले लूंगी। बहुत हो गया अच्छे बनने का नाटक, अब मैं इनको बताती हूँ।
मम्मा कह रही थी उन्होंने मेरे लिए चिप्स रखे हुए हैं। ओ हो रे जो मैंने सिखाया है वही बोलना, कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ ठीक है। सुष्मिता। जी भाभी। सुन मुझे भैया के साथ ना बाहर जाना किसी जरूरी काम से, तो बच्चों का ध्यान रख लेगी? हाँ जी भाभी। ठीक है। अब मजा आएगा। बच्चों मैंने आपके लिए चॉकलेट वाली दूध लाई हूँ। सुष्मिता दीदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज। खोलो। बच्चों देखो मैं आपके लिए क्या लाई। सुष्मिता बच्चे खेल रहे होंगे। ये चिप्स के पैकेट बच्चों को दे देना और ये तुम्हारे लिए। भाभी। हाँ सुष्मिता। रात के लिए क्या बनाऊं? कुछ भी जो तेरा दिल करे। देखा तुमने कैसे उसके होश उड़े हुए थे? हाँ रमी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी गेम हम उसी के साथ खेल सकते हैं। कैंची कहाँ है कैंची? आज मैं सारे कपड़े इनकी काट दूंगी, कोई कपड़ा नहीं छोड़ूंगी। अभी बताती हूँ उनको। सुष्मिता क्या ढूंढ रही हो? कहीं ये तो नहीं ढूंढ रही? नहीं भाभी नहीं। वो ना मुझे कोई काम था तो मैं ये ले गई थी, वो दूसरी वाली कैंची मुझे मिल नहीं रही थी। ये लोग बड़े सियाने बन रहे हैं, अब इनके साथ कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा।